ना प्राचीन ना नवीन, ना प्राचीन और ना नवीन, जो सत्य है वो है समीचीन। जो सत्य है, जो सही है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, जो सम्यक है, उसका नाम क्या है? समीचीन। समीचीन ना तो नवीन होता है और ना ही प्राचीन होता है। सत्य चाहे पुराना हो, चाहे अभी हो, चाहे आगे का हो, वो सत्य सत्य ही होता है, उसका नाम क्या है? समीचीन। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण ब्रह्मयारिणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं ह्रूं ह्रौरा सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं वृद्धिं वांछां पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। यही चाहिए सब नीचे वाले लोग। संग्रणी आदि उदर पीड़ा नाशक रिद्धि। उदर में पीड़ा आदि होती हो तो किसी भी प्रकार से, तो वो इसका नाशक आदि। 33वां नंबर का पुष्प वृष्टि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वा ततिर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वा पढ़िए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम कल्प वृक्षों के जो अच्छे सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं उसके यहाँ पर नाम दिए हैं। मंदार जाति का पुष्प, सुंदर जाति का पुष्प, नमेरु जाति का पुष्प, सुपारी जात का पुष्प, संतानक जाति का पुत्र आदि आदि और भी जो देवगण जो पुष्प वृष्टि करते हैं भगवान के ऊपर समर्षण में निरंतर चलती रहती है। तो वो कौन कौन से पुष्प आते हैं? तो बोले वो अपने ही जो कल्प वृक्षों में लगते हैं उनके विमानों में कल्प वृक्ष होते हैं और उसमें ये पुष्प होते हैं, तो वो उन पुष्पों को लेकर के आते हैं और पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर करते हैं। हाँ, सभी विमान में कल्प वृक्ष होते हैं। मंदार वैसे भी यहाँ पर पृथ्वी लोक में भी होते हैं, जो भोग भूमियाँ होती हैं 30 भोग भूमियाँ, शाश्वत भोग भूमि होती हैं 30, तो उसमें भी
कल्पवृक्ष होते हैं। तो विमान अपने आप में पृथ्वी का एक है, विमान जो होता है ये पृथ्वी का एक होता है, पृथ्वी का एक, पृथ्वी जल अग्नि वायु बोलते ना, तो विमान जो ऊपर जो विमान है वो भी पृथ्वी का एक है, पृथ्वी से बने हुए हैं, जितने विमान होते हैं वो सब पृथ्वी के। हाँ, चैत्यालय भी हैं, पेड़ भी हैं, बावड़ी भी है, सब कुछ है, और सब कुछ वैभव है, ऐसा कोई वैभव नहीं जो वैभव आना हो, हर चीज़ है, निरंतर होती रहती है। पुष्प वृष्टि, सुगंधित जल और पुष्प, ये सदा ही होती रहती है। वहाँ रहने वालों को बड़ा आनंद आता है, ऐसा थोड़ी फैसिलिटी, बहुत सुंदर है, ना गर्मी ना ठंड, कोई बीमारी नहीं, भूख लगती नहीं, शरीर में थकान आती नहीं, प्यास भूख की चिंता नहीं, अकाल मरण होता नहीं, बीमारी होती नहीं, और अंधा लूला हो तो वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल सर्वांग ठीक हो जाता है। ये समोसरण की एनर्जी का ही इतना महत्व है कि उस एनर्जी में लेवल में जैसे पहुंचते हैं व्यक्ति को ये सब चीज़ लगती ही नहीं है, और वहाँ बैठो तो फिर सुगंधित वायु भी तो चाहिए ना, तो सुगंधित वायु, बढ़िया गंधोदक वाली वायु और पुष्प वृष्टि तुम्हारे ऊपर हो रही, फिर तो तुम्हें आनंद ही आनंद है। ठीक है, ऐसे भगवान की ऊपर पुष्प वृष्टि होती रहती है। और गंधोदक वायु, शीतल वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण होता है, एयर कंडीशन होता है पूरा। हाँ, मतलब एयर कंडीशन मतलब ये तो हो जिसमें हर वातावरण सबको अच्छा लगे, जमाई नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल ऐसा टकटकी देखते रहो, ऐसा आनंद लेते रहो। चलो, चली तो रहे, समोसरण चलने की तैयारी कर रहे हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, किसी को मोह आ जाता घर की याद आ जाती है, हैं घर में पापड़ छोड़ाई हूँ, कपड़ा छोड़ाई हूँ, तो चलो देखा हूँ, ऐ तो वो जैसे घर की याद आती है वो चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं लोग। हाँ, ऐसा होता है कि समोसरण में एक भव्य कूट और एक अभव्य कूट होता है, दरवाज़ा उसका नाम ही है अभव्य कूट। जैसे दरवाजे में कोई अभव्य जीव होगा जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, उसकी वो इतना दिव्य प्रकाश होता है कि वो आँखें बंद हो जाती हैं, तो उसको आगे का रास्ता ही नहीं दिखता है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो पीछे निकल जाता है, फिर वो समोसरण में बाहर जो है बावड़ी हैं, नृत्यशालाएँ हैं, वो सब उसमें घूम घाम करके देख दाख के चला जाता है, और वो भव्यकूट जो जीव है वहाँ से निकलता, तो जीव बोलते कि उसे सब कुछ रास्ता, ऐसी व्यवस्था है, ऐसे कोई नहीं, स्कैनर लगे हैं, बिल्कुल आपके जैसे स्कैनर होते हैं ना, कि ये सामान लेके अंदर नहीं जा सकते हो, ये व्यक्ति नहीं जा सकता है, तो ऐसे वो स्कैनर लगे बिल्कुल भैया, अभव्य जो जीव होगा वो अंदर नहीं प्रवेश होगा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते संतान कादि, यहाँ तक तो किसके नाम हो गए, पुष्पों के नाम, लेकिन कुसुम, ठीक है ना, कुसुम, और कैसे उत्कर, उत्कर मतलब कल्प वृक्ष, तो कैसे होते हैं वो कुसुम उत्कर, कल्प वृक्षों के फूलों की वृष्टि, वर्षा, ठीक है, वृष्टि, और उससे निकलेगा उद्धा, उद्धा मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठा, श्रेष्ठ वृष्टि, श्रेष्ठ गंधोद, उद, उद मतलब जल, गंध मतलब सुगंधित, बिंदु बूंदें, सुगंधित जल की बूंदें, ठीक है, शुभ मंद, शुभ मंद, मंद मंद, मरुत, मरुत मतलब हवा, मरुत मतलब क्या है, हवा, तो शुभ मंद मतलब सुकर, जो बिल्कुल अच्छी लग रही हो, है एसी चलता ना तो ऐसी ऐसी हवा, आ हा हा, महाराज थोड़ा और पड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर तो नहीं लग रहा है, तो शुभ मंद, तो क्या बोले कि सुकर मरुत पवन के साथ, वो सुगंधित जल की जो बूंदें हैं वो सुकर जैसे फुब्बारा सा होता ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा, बिल्कुल इवेंट्स देखे ना, इवेंट्स में जैसे जैसे दिखता ना, बिल्कुल वैसे सुकर मंद पवन के साथ प्रपातः गिरने वाले, गिरने वाली, गिरने वाली वो बूंद, ऐसी गिरने वाली, उद्धा दिया था ना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ
दिव्या मनोहर, दिव्या मनोहर, ऐसे मनोहर किसके साथ? पुष्पों के साथ। सुगंधित जल की बूंदें सुकर मंद पवन के साथ गिरने वाली श्रेष्ठा और दिव्या मनोहर मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात आदि कल्प वृक्षों की फूलों की वृष्टि वर्षा दिव्या दिव्या आकाश से दिव्या दिव्या मतलब आकाश से पतती पड़ती है ते आपके वचसाम वचनों की। क्या बोल रहे हैं? कैसे कैसे गिरती है? तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है ते वचसाम ततिरवा ततिवा ततिवा मतलब पंक्ति। जैसे भगवान आपकी दिव्य वाणी पंक्तिबद्ध निकलती है ऐसे ही वो पुष्पों की वृष्टि भी पंक्तिबद्ध क्या होती है? डंठल नीचे होता है और फूल ऊपर होता है। डंठल नीचे क्यों? क्योंकि डंठल जो है पेड़ से लगा होता है तो जन्म स्थान होता है। क्या होता है? संसार को पकड़े हुए बंधन है। बोले बंधन जो है नीचे की ओर जा रहा है और खिला हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे ही जो प्राणी आपकी वाणी को सुनता है वो खिलता है और बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार से कि भगवान की वाणी आपकी पंक्ति की तरह आपके वचन की पंक्तियों की तरह वह पुष्प की वृष्टा गंधोदक से मिश्रित होते हुए सुखमय हवा से आ रही है। हे भगवान आपके वचनों की दिव्य पंक्ति दिव्य ध्वनि आकाश से गिरते समय ऐसे लगती है जैसे सुगंधित जल की बूंदें और सुकर मंद पवन के साथ मंदार सुंदर नवेरु सुपारी जात संतानक आदि कल्प वृक्षों के उत्कृष्ट फूलों की वर्षा ही लगती है। तो देखो भगवान की वाणी की भी बात कर दी और धीरे से जो पुष्प वृष्टि हो रही है उसकी भी बात कर दी। ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। हाँ, जिसको ज्वर नासक बुखार आदि ताप आदि आता है वो कर सकते हैं। ओम नमः। 34 नंबर काव्य सुम्भत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युति माक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशा मपि सौम सौम्याम सुम्भत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते वो क्या है कि हम लोग शुरू में संग में आए हैं ना तो जो पढ़ते नहीं आता था ना जो शब्द पढ़ने वाला था उसे बहुत तेज बोलते थे ऐसे करके फिर वो जो भूरी विवाह जो शब्द बोलने में आया वो तो तेज बोल गया बढ़िया संग में और जो नहीं आया तो करके तीजिए तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ शुम्भत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या
दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम् सौम्यम् औ औ सौम्यम् सौम्यम् क्या बोल रहे दीप्त्या दीप्त्या दी बड़ा है ना दीप्त्या पढ़ो साथ सब लोग सुम्भत प्रभा यहाँ पर प्रातिहार जो भामंडल है वो भामंडल कैसा है भामंडल आभा मंडल आभा से आ निकल गया तो क्या बचा भामंडल हो गया आभा तो आभा जो भगवान की जो ओज है जो तेज है वो आभा हुई उससे जो निर्मित हो गया उसको बोल दिए भामंडल ठीक है ना तो बोले वो भामंडल जो है या देवोकृत जो भामंडल है वो कैसा है तो बोल रहे हैं सुम्भत दैदीप्यमान है कैसा है बिल्कुल दैदीप्यमान किरणों से भरा हुआ दैदीप्यमान प्रभा वलय भामंडल की दैदीप्यमान भामंडल की भूरी भूरी मतलब भूरी विभा विभा मतलब कांति भूरी मतलब अत्यधिक अधिक कांति भूरी विभा अधिक कांति या अत्यधिक कांति किसकी कांति भामंडल की बोलो प्रभामंडल प्रभा प्रभा बोलो आहवा बोलो भामंडल बोलो वलय वलय मतलब पूरा गोल मंडल ऐसा तो सुम्भत प्रभा वलय दैदीप्यमान आभामंडल या प्रभा वलय या भामंडल की भूरी अत्यधिक विभा कांति विभो यहाँ विभो क्या है संबोधन है हे विभो हे ज्ञानी हे परमात्मा हे आदिनाथ भगवान ते आपके आपके दैदीप्यमान आभामंडल की भूरी विभा अत्यधिक कांति